सो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम सभी लोग? वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। हाँ भाई, काफी ज्यादा लेट हो गया ये वीडियो आने में, जस्ट लाइक फ्री फायर, बट आई थिंक इतना भी लेट नहीं हुआ यार। जोक्स अपार्ट, एक महीने के लॉन्ग ब्रेक के बाद आई एम बैक एंड आज बात करने वाले फ्री फायर स्पोर्ट्स के डेड सीन के ऊपर। आई मीन सिर्फ अंडरडॉग्स के लिए डेड है, बाकी भाई बड़े प्लेयर्स, इवन प्लेयर्स सो कॉल्ड, उनका तो कमाना चल ही रहा है। हालांकि थोड़ा कम कमा रहे इस बार, बट फिर भी यार कमा तो रहे ना। मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इतने साल हो गए, मतलब एक से दो साल तो फिर भी हो ही गए सेम टीम्स को T1 पे बैठे हुए, एंड मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सेम टीम्स T1 पे कैसे फॉर्म मेंटेन कर रही है। हो सकता है भाई मेहनत कर रही हो, बट यार मेरे दिमाग में तो जेन्युइन क्वेश्चन है। ऑल्सो एक बात ध्यान रखने वाली कि भाई जब बैन पीरियड हुआ ही था, मतलब स्टार्ट, तब ऑडियंस जी खासी मेंटेन थी, उनको लग रहा था आ जाएगा एक दो महीने में गेम। तो वहां पर जब ऑडियंस थी तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पे अपने ऑपरेशंस रोके नहीं अंडरडॉग्स के लिए एंड चलते रहने दिए क्योंकि सपोर्ट अच्छा था। बट अब जब एक्चुअल ऑडियंस बची हुई है ई-स्पोर्ट्स की, जो कि ग्राइंड करना चाहती है, जो कि सीरियस है ई-स्पोर्ट्स को लेकर, वो रुकी हुई है, वो बची हुई है ग्राइंड कर रही है, तो उनके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मेरे को तो बस इनविटेशनल दिखाई दे रहे हैं एंड भाई मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा कि 5K to 7K वॉचिंग आके से रही इन लोगों की। भाई अभी के सीन में हायरार्की सिस्टम चल रहा है, मतलब कोई भी फर्जी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आज तक अंडरडॉग के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट नहीं कराया, वो एकदम से आके इनविटेशनल डाल देती है। अच्छा, तुम लोगों ने listo.gg अभी तक देखा है कि नहीं? हाँ, ऐसी कंपनीज ही इन लोगों को सपोर्ट करती है, जो कि पहले रूटर के नाम से जानी जाती थी। हाँ, मतलब वही सीन कि अगर एक भी स्लॉट कम हुआ तो हम पैसे ही नहीं देंगे, 1000 के टूर्नामेंट में 500 स्लॉट्स। टॉपिक पे यार विस्तार से एक नई वीडियो में बात करेंगे, पर अभी के लिए जो हायरार्की सिस्टम है वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, जो कि एकदम से आके इनविटेशनल डालते हैं। इनविटेशनल स्क्वाड जो है वो सेम ही रहती है, मतलब वही अपनी T1 जो चल रही है शुरू से, वही प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं, ले जाते हैं प्राइस। एक स्लॉट अंडरडॉग का रख देंगे जो कि पूरा टूर्नामेंट कराएंगे उस एक स्लॉट के लिए, तीसरे रख देते हैं, मतलब बहुत कम, वो भी उससे भी इनका अच्छा खासा डिस्कॉर्ड सर्वर ग्रो हो जाता है। मतलब यार तुम लोग खुद एक बार सोचो ना कि नए नए टैलेंट्स फ्री फायर स्पोर्ट्स में निकलना ही बंद हो गए। बस देखो अभी एक होप है कि फ्री फायर जब आए तब ये सीन पूरा सॉर्ट हो जाए एंड यही वापस इन्विटेशनल वाला भाई सीन जो है वो ना चले। मतलब ऐसा नहीं कि चले ही ना, भाई उन्होंने भी मेहनत करी है, वो भी T1 पर कहीं ना कहीं मेहनत करके ही पहुंचे। बट यार इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम अंडरडॉग्स को पूरा इग्नोर ही कर दोगे जस्ट बिकॉज तुमको व्यूज आ रहे हैं। तो अंडरडॉग्स अगर हटा भी दे इस सीन में तो मेरे को लगता नहीं भाई कि इनको कुछ मतलब फर्क पड़ेगा। बस इसी वीडियो के साथ अपन वापस स्टार्ट करते हैं कंटेंट बनाना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही ब्रेक हो गया है। मिलते हैं फिर किसी और नए दिन किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।